सही हो तो फिर कुछ तो नहीं. इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी, फिर तो कुछ. आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो, आप सबको रिप्लाई देती हो? नहीं देती हो ना, आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो. आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो, क्यों ऐसे करती हो, जीन्स क्यों पहनती हो, व्हाई यू बीइंग अ गर्ल. जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू योर सेल्फ. एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है. हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते. व्हाट अबाउट द व्यूअर्स, दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू, बट द पीपल आर सेइंग, एंड इफ उर्फी डजंट से दैट, व्हाट दैट मींस? मुझे उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे, बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है. सो आपके जो फैंस हैं उनके भी फैंस हैं जो आपके वो चाहते हैं कि आप, बट क्या कमेंट आए, क्या कमेंट आए वो आपको खुद पता है उन्होंने क्या बोला? बिकॉज़ आप नहीं पता मुझे, नहीं, आई डोंट नो, पर आई थिंक जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था. एंड दैट्स इट, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट. आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो, दैट्स अ क्राइम, दैट्स इट. को देख के शर्माता है, याद है ना? असली